पूर्वांचल के नेता राणा सुजीत सिंह की दिल्ली कांग्रेस में घर वापसी। एमसीडी चुनाव से पूर्व पूर्वांचल के नेता राणा सुजीत सिंह की अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी दिल्ली में घर वापसी हो गई। उन्हें पार्टी के राजीव भवन स्थित कार्यालय में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी, शक्ति सिंह गोहिल, प्रभारी दिल्ली व बिहार और उपाध्यक्ष अली मेहंदी ने शामिल करवाया। उनके अलावा इस मौके पर बड़ी संख्या में अन्य दलों से आए लोगों ने भी दिल्ली कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान राणा सुजीत सिंह ने कहा कि घर हमेशा घर होता है, कांग्रेस पार्टी मेरा घर है और मैं अपने घर वापस लौट आया हूं। उन्होंने कांग्रेस में विश्वास दिखाते हुए कहा कि मुझे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने एक जिम्मेदारी दी है कि पूर्वांचल भाइयों के बीच जाकर उनकी तकलीफ को सुन उसका निष्पादन करूं। इसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। राणा सुजीत सिंह ने भाजपा पर भी जमकर हमला बोला और उन्होंने दिल्ली विधानसभा में पार्टी की उपस्थिति को लेकर भी अपनी बात प्रमुखता से कही। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल वोट लेने वाले पार्टी है, चाहे जैसे भी हो, इलेक्शन के बाद वो लोगों को भूल जाती है। उनसे लोग परेशान हैं और सबसे अधिक पूर्वांचल के लोग मायूस हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में अगर आज हमारी संख्या कम है तो आने वाले दिनों में चीजें बदलेंगी। उन्होंने पूर्वांचल के लोगों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि कोविड काल में पूर्वांचल के भाइयों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। सबसे अधिक प्रभावित पूर्वांचल भाई हुए। दिल्ली में रहने वाली 50-60% पूर्वांचल की जनता अपनी रोजी रोटी छोड़कर चली गई और जो बच्चे हैं उनके पास जीविकोपार्जन के लिए पैसे नहीं बचे। अब वे दिल्ली आने से भी डरने लगे हैं। मुझे आज पार्टी ने उनके डर को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे मैं हर हाल में पूरा करूंगा। उन्होंने दिल्ली में एमसीडी चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर कहा कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया। मेरा मकसद कांग्रेस की विचारधारा को हर घर में मजबूत करना है। चुनाव कोई भी लड़े, जीत पार्टी की विचारधारा की होगी। पूर्वांचल की जनता मौजूदा सरकारों से परेशान है, वे उससे निजात चाहती है, जिसके लिए हम काम करेंगे। शमा ईरानी की रिपोर्ट। कांग्रेस ने मुझे खुश किया क्योंकि मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस से ही मेल खाती है, ये तो अब तय है। और जो घर वापसी मेरी हुई है वो इसलिए हुई है कि मैं अपने पूर्वांचली भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं और उनके लिए आगे बढ़ करके जो भी निर्णय है वो ले सकूं। आम आदमी पार्टी को छोड़ने का जो फैसला था, क्या कमियां आपको आम आदमी पार्टी के अंदर दिखाई दी और कांग्रेस के अंदर जो क्या खूबियां दिखाई दी? मैं आपको बता दूं, मैं एनसीपी से चुनाव लड़ा था जी। और बेसिकली क्या है कि हमारे दिल्ली में जो मुझे लोगों के लिए करना है वो मैं कांग्रेस पार्टी में ही रह के कर सकता हूँ जी। एनसीपी बहुत अच्छी पार्टी है, हमारे शरद पवार जी की सोच बहुत अच्छी है, पर हमारे दिल्ली प्रदेश में वो इतनी एक्टिव नहीं है। वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो इसलिए अगर लेकिन इस दिल्ली का, इस शहर का विकास सही मायने में कभी हुआ तो शीला जी के समय पे हुआ। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है सर, और आज मैं समझता हूँ, मैंने एक ट्वीट देखा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का, जिसमें 4 अस्पतालों की फोटो डाली और उस पर वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। कौन सी अस्पताल? एक जो दक्षिणपुरी में, जिसमें मैं स्वयं पहुंचा, इनको तो ये नहीं पता था कि आपका अस्पताल बनके तैयार है, जिसको शीला जी ने नींव रखी थी, शीला जी ने इसका नींव रखा। एक पुरानी अस्पताल और एक आपका द्वारका का अस्पताल, इंदिरा जी के नाम से 2600 बेड का अस्पताल, ये वो अस्पताल है साथियों। जब हम सड़कों पर घूम रहे थे, अस्पतालों का जायजा ले रहे थे, जिला अध्यक्ष महोदय भी मेरे साथ थे द्वारका में। आज जिस अस्पतालों की फोटो डाली है, ये वो अस्पताल है जिनकी नींव कांग्रेस के नेताओं ने, शीला दीक्षित जी ने और हमारे लोकल विधायकों ने अपने अपनी मेहनत से, अपने विजन से जनता को समर्पित की। आज उनके ऊपर पीठ थपथपाने, शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने की। आज एक मोहल्ला क्लिनिक में आप वैक्सीन लगा सकते, आप इलाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप अपने प्रचार प्रसार के फोटो लगा देते हैं मोहल्ला क्लिनिक के नाम में, आप एक तरह से आपने एडवर्टाइजमेंट किया, आपने साइन बना दी जिनपे आप फोटो लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए। आज दिल्ली की जनता जिस तरह से संकट से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, आपके पास कुछ भी जवाब नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अंत में इन साथियों का खासतौर से जो युवा वर्ग आज यहाँ जुड़ा है, खासतौर से बदरपुर से हमारे सुजीत भाई दक्षिण दिल्ली से, आज काफी जो पूर्वांचल को लेकर के बड़े गंभीर रहते हैं, उनकी दिक्कतों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, जब उनसे बात हुई कि आप क्यों लड़ना चाहते हैं, कहते भाई साहब चुनाव तो मैं लड़ लिया, चुनाव लड़ना है हर किसी व्यक्ति का सपना हो सकता है,
लेकिन जो समाज के साथ जो छल हुआ है, जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उम्मीदें थी जिनपे सरकारें खड़े नहीं उतर रही, आज गरीब जाए तो जाए कहां उनकी सुनवाई के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहा हूँ। और इस विश्वास के साथ कि राहुल जी जो ऊर्जा हमें देते हैं, उस ऊर्जा में कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क को उतर करके काम करता है, लड़ाई लड़ता है। तो इस उम्मीद के साथ आप जुड़े, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और बहुत सारे साथी इस कांग्रेस परिवार से जुड़ने के लिए मुझसे निवेदन कर रहे हैं, उनको भी अतिशीघ्र हम कांग्रेस परिवार में जोड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।